आर्य पुरुष मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और फिर क्या मैं निकल गया थिएटर में देखने उस मूवी को अपने फैमिली के साथ। और जब मैं देख के आता हूँ उस मूवी को तो मूवी कैसा होता है, मुझको अपने आंखों को गंगा जल से धोना पड़ता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि क्या ही बोलूं मैं। और मूवी तो बहुत ही बढ़िया नहीं था, उसका VFX भी इतना पैसा लगा के तो इसमें तीन तीन मूवी हिट हो जाती गाइस, मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, बना दिया है फिल्म तो अब क्या करें। और बात कर लेते हैं क्या ये आदि पुरुष मूवी रामायण से भी अच्छा है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो अभी बात कर लेते हैं VFX के बारे में। तो देखो VFX ठीक नहीं है गाइस, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैंने मूवी देखा, रिव्यू में कितना देना चाहूंगा 10 out of 10, मैं 0.5 देना चाहूंगा इतना पैसा लगा के। प्रभास का एक्टिंग क्या है भाई, क्या बोलूं मैं। वो मैं नहीं कह रहा कि वो गंदा एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक एक शूट होता है कि एक पे शूट करता है, जैसे कि राम का मूवी कोई एक्टर पे शूट करेगा ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं शूट कर रहा था भाई। वो एक्टिंग भी कर रहे तो अच्छा नहीं लगा, तो क्या ही बोलूं मैं। और उसमें जो रावण थे, क्या बोलूं भाई, इससे अच्छा तो मैं डोरेमन देख लेता। उनका जो फेस मैंने देखा, जो कि 10 सिर लगाए हुए थे, क्या था वो, मुझको समझ ही नहीं आ रहा है गाइस। उससे अच्छा मैं जाता और डोरेमन अपने फैमिली के साथ देख लेता, वही अच्छा होता। लेकिन भाई मैं क्या ही बोलूं रावण के बारे में, अब मुझको और नहीं बोलना है। बात करें आदि पुरुष अच्छा है कि रामायण, तो भाई तुम लोग को अभी तक पता भी चल गया होगा कौन अच्छा है। आदि पुरुष 1000 times, 1,000,000 times अच्छा रामायण है। तुम जाओगे आदि पुरुष को देखने थिएटर में इतने पैसे लगा के, उससे अच्छा तुम घर बैठे बैठे रामायण देख लो भाई, तुम्हारी जिंदगी शुद्ध हो जाएगी पूरा, मैं क्या ही बताऊँ भाई। मत जाओ आदि पुरुष देखने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खराब मूवी है, लेकिन भाई पूरा ठीक है, चलो रामायण से लिया हुआ है कहानी, ठीक है चलो ठीक है। जो एक्टिंग है, जो VFX है भाई, बहुत ही गंदा है, मैं क्या ही बोलूँ अब। और बात कर लेते हैं डायलॉग्स की। डायलॉग्स क्या है भाई, लग रहा है कि एक्शन मूवी से उठा के लाया गया हुआ है भाई, क्या ही बोलूं मैं, मुझको समझ ही नहीं आ रहा है ये डायलॉग है। कोई एक्शन मूवी बोलते हैं या हॉलीवुड में बोलते हैं, अब तो वाल्मीकि जी को भी आना पड़ेगा इन लोगों को सुधारने के लिए। अब मैं क्या ही बोलूं हुआ है, अब वो सुनो, कपड़े तेरे बाप के हैं, तेल तेरे बाप के, ये क्या है भाई, क्या ही। जैसे कि कोई कोई डायलॉग में तो ऐसा लग रहा है भाई साहब पूरा रामायण है भाई, क्या ही बोलो, बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से, बहुत बढ़िया लग रहा है। जब ये डायलॉग बोलते हैं तेरे बाप के है, तेरे तेल तेरा बाप का है, आग तेरे बाप का है, भाई क्या बोलूँ मैं भाई, ना डायलॉग अच्छा है ना भाई एक्शन अच्छा है। और देखो राम की जगह पे जो कैरेक्टर प्ले किया है प्रभास ने, वो तो बढ़िया है, लेकिन एक्टिंग क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभास ने बुरी एक्टिंग की है, लेकिन क्या है भाई, उसपे सूट ही नहीं हो रहा है गाइस, मैं क्या करूँ। और अब बात करते हैं रावण के बारे में, भाई क्या ही बोलूँ भाई, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। जो रावण है, जो कि चमगादड़ है भाई, चमगादड़ कैसा चमगादड़ है ये राक्षस की चमगादड़ है, कुछ समझ नहीं। रावण देखो, रावण का 10 सिर है पूरा साइड में, खतरनाक दिख रहा है भाई, क्या है वो, पीछे थोड़ी थोड़ी देर पर पीछे पीछे ग्रीन पर्दा दिख रहा है भाई। थोड़ा इतना पैसा लगाया है, इतना कुछ किया है, तो थोड़ा सा अच्छा बना लेते तो क्या ही जाता गाइस इन लोगों का। लेकिन हम कर भी क्या सकते, हम कहेंगे तो कुछ होगा नहीं गाइस। आप लोग भी जाना देखना, अभी देखो देख सुनते रहो, अभी बहुत कुछ बाकी है गाइस जो कि आप लोगों को पता नहीं है। रात में मूवी शूट की गई हो कि हमको ज़्यादा झंझट ना हो कि यहाँ पे परछाई का, और पैर देखोगे भाई वहाँ पे एक बार भी शैडो नहीं दिखाता है भाई। दिखा रहे हैं एक्शन तो जैसे कि सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है उतना है, और बाकी सब रात में शूट हुआ है भाई। मैं क्या बोलूँ यार, अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे हैं बोलने गाइस। अब चलो इसको भी हटाते हैं। और एक और बात जो बोला गया है कि जानकी जी इंडिया से है, भाई इन लोगों को इतना भी नहीं पता है कि नेपाल के जनकपुर से है जानकी जी सीता माता। इन लोगों को इतना भी कोई जाके समझा दो यार, मूवी के मेकर्स को भी इतना नहीं पता है कि जानकी जी नेपाल की है और बता रहे कि इंडिया का है, क्यों ऐसा क्यों। लेकिन इसका बारे में भी विवाद हो रहा है नेपाल में, तो चलो कोई बात नहीं है। अब देखो गाइस रामायण तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, हमारे सर से ऊपर है, इतना अच्छा मूवी रामायण है, क्या ही बोलूँ, मूवी नहीं है रामायण। रामायण भाई तुम एक बार देखो, तुम्हारा पूरा श्रद्धा भर जाएगा दिल में। और जब तुम जाओगे आदि पुरुष को देखने, क्या है ये मूवी, समझ ही नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी कर लो लेकिन आदि पुरुष से बेटर भाई, बेटर क्या, बहुत ही बढ़िया है रामायण। तो जाओ रामायण देखो, वही अच्छा है। और गाइस अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जाके जल्दी से लाइक कर लो गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब कर लो। और आज मैंने फेस रिवील भी यहाँ पे कर दिया है, तो चलो गाइस इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।